हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जून से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, आपको पता ही होगा, टाइगर महतो भी इनको कहा जाता है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर उठाऊँगा जो चीज़ें बिल्कुल जेन्युइनली आपके नियुक्ति से जुड़ी हुई है। आप नए छात्र हो जिन्होंने जेटेट नहीं दिया है, और या फिर पुराने छात्र हो जिन्होंने जेटेट एग्ज़ाम पास कर लिया है, 2016 के उत्तीर्ण विद्यार्थी हो या फिर 2013 के। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं है आपके पास, नहीं ले रखा है, तो देखिए जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का वो पेपर हो या फिर 2016 का पेपर हो, दोनों पेपर आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हो। yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। अगर इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। दोनों प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे ओनली 70 रुपीज़ में। जी हाँ, 70 रुपीज़ में आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप मेल कर लीजिए या फिर इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको अब बताता हूँ, जून से जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, देखिए सरकार, ये जो जगन्नाथ महतो है, इन्होंने कहा है कि पहली चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करी जाएगी, उसके बाद 60,000 शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। तो देखिए, यह एक धोखा है नए जेटेट विद्यार्थियों के साथ। आपको पता ही, झारखंड में एक बार गलती से अगर 26,000 की भर्ती निकल गई आपके हाथ से, तो फिर ये भर्ती निकालेंगे नहीं। आप देख लो, ये 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है, 3 से 4 साल, और इन्होंने कुछ नहीं किया। नियुक्ति के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। नियमावली के नाम पर ये रोज़ टालमटोल कर रहे हैं और मामला को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सारे जो नए बीएड और या फिर बीटीसी पास स्टूडेंट हैं, या बीएड डीएलएड जो भी किया है आपने 2016 के बाद से, याद रखिएगा, एक बार मौका आपका हाथ से निकला तो ये इंसान आपको फिर से नौकरी देने वाला नहीं है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति बहुत ज़्यादा होती है झारखंड जैसे छोटे से स्टेट में। एक बार नियुक्ति निकल गई तो फिर से नियुक्ति नहीं आएगी। आप अपना जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब देखिए, 2016 वाले के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है कि इन्होंने जेटेट पास किया है, अच्छी बात है। तो और लोग देखो, 2016 के बाद से 2022 आ चुका है, 6-7 साल का समय हो चुका है, इतने साल में और भी विद्यार्थी पास हो गए हैं, उनकी क्या गलती है, वो 26,000 से क्यों आउट हो जाए। तो फिर से एक बार जेटेट की परीक्षा ली जाए, उसके बाद एक बार मेन परीक्षा, जिसमें जो अच्छा होगा, जिनके स्कोर अच्छे होंगे, जो अच्छे टीचर होंगे, वही शिक्षक बन पाएंगे। तो मैंने सारी बातें आपके सामने रखी है। आप नीचे कमेंट करके आप अपनी राय, आपका जो सजेशन है, या फिर आपका जो भी आलोचना करनी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियोज़ आती रहेगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।